दोस्तों, डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यहाँ पे जारी की गई है केंद्र सरकार की ओर से, जिसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें इस नई पेंशन योजना को जारी किया गया और उसको मंजूरी भी दे दी गई है। जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सरकार ने एनपीएस और ओपीएस दोनों के बीच की जो लड़ाई थी, उसको खत्म करते हुए एक तीसरी पेंशन योजना लागू की है, जिसका नाम यहाँ पे है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यहाँ पे बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है। और क्या क्या इस यूपीएस में फायदे हैं, और इन तीनों ही स्कीम में अब यहाँ पे कंपैरिजन शुरू हो चुका है कि तीनों स्कीम में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी है। और यहाँ पे आपको दो पेंशन स्कीम जो है, एनपीएस और यूपीएस, इनमें से भी ऑप्शन आपको मिलेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे हाइलाइट्स है यूपीएस के। यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंदी में ये पूरे हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। और एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं जो है यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें है सुनिश्चित पेंशन, 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यानी कि कोई भी कर्मचारी अगर 25 साल तक सेवा देता है, 25 वर्ष की सेवा पूरी करता है, तो उसकी जो पेंशन है वो 50% लास्ट जो उसकी बेसिक और डीए था 12 महीने का, उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% उसको गारंटीड पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। अगर इससे कम सेवा अगर कोई कर्मचारी करता है, तो उसके लिए रेशियो में ये फाइंड आउट किया जाएगा कि उसको 50% दिया जाए या उससे कितना कम दिया जाए। अब आगे है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। इसमें यहाँ पे फैमिली को भी पेंशन का प्रावधान है, जिसमें जो 50% पेंशन आपको मिलेगी, उसका 60% यहाँ पे आपकी फैमिली को दी जाएगी। तो ये यहाँ पे सीधा सा हिसाब है, 50% की गारंटी आपको दी जाती है और इस 50% का 60% की गारंटी आपकी फैमिली को दी जाती है। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, 10 वर्ष न्यूनतम सेवा होनी चाहिए, उसके बाद में 10,000 रुपये यहाँ पे जो न्यूनतम पेंशन है, ये यहाँ पे इसकी गारंटी दी गई है। इसके अलावा महंगाई सूचकांक डीआर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे डीए मिलता है कर्मचारियों को, वैसे ही पेंशनर्स जो होते हैं उनको डीआर मिलता है। तो डीआर यहाँ पे सभी को दिया जाएगा, सुनिश्चित पेंशन पे भी दिया जाएगा, फैमिली पेंशन पे भी दिया जाएगा, और जो 10,000 की न्यूनतम पेंशन है उस पे भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी डाउट अब नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रेच्युटी है, उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ लाभ आपको मिलने वाला है। ये नई चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका डीए और बेसिक है, उसका 1/10 हिस्सा हर 6 महीने के लिए। जैसे कि आपने अगर 5 साल तक सर्विस की है, मान लीजिए, तो आपके 6 6 महीने के हिसाब से हो गए 10, 10 × 1/10, 10 से 10 कट गया, यानी कि आपका जो डीए प्लस वेतन, ये 5 साल की सर्विस के लिए आपका बेसिक और डीए जितना है, उतना आपको आपकी ग्रेच्युटी के साथ मिलेगा। और साथ ही अगर आपने 25 साल किया है, ठीक है, तो 25 साल में इस पे डीए प्लस वेतन का 5 गुना आपको ग्रेच्युटी के साथ दिया जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन है 1/10वें हिस्से के लिए। ठीक है, 5 बेसिक और डीए, 5 सैलरी, 5 महीने की सैलरी के बराबर आपको ग्रेच्युटी के साथ में एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ये इसमें फायदा है, जो कि ओपीएस में नहीं था। ये यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा है। तो ये ओपीएस से आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इस यूपीएस में दिया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आकर्षक ये योजना यहाँ पे अभी लग रही है। आगे यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ये भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जल्दी जल्दी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत लोग यहाँ पे आधे आधे घंटे के वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये क्लियर है। और साथ में आपको एनपीएस और ओपीएस में से ऑप्शन मिलेगा, यूपीएस में से, कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। इसके अलावा 18.5% जो पहले एनपीएस में सरकार जो अपना कंट्रीब्यूशन करती थी 14% का, उसको बढ़ा के 18.5% कर दिया गया है। ये यहाँ पे आपका एक और फायदा है। इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि
25 साल से ज़्यादा सर्विस आपकी है तो आपको 50% की गारंटी मिलेगी। आपके लास्ट साल, लास्ट 12 महीनों की जो सैलरी है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक ही मात्र, डीए नहीं, बेसिक का आपका एवरेज लिया जाएगा, उसका 50% आपको गारंटीड सैलरी दी जाएगी, साथ में आपको डीआर भी दिया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लियर है। महंगाई सूचकांक ये भी सभी को मिलेगा, साथ ही फैमिली पेंशन का भी यहाँ पे गारंटी हो गई है, जितना 50% बनता है उसका 60% मिलेगा और उस पर भी डीआर मिलेगा। साथ ही न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये है और इस पर भी डीआर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। साथ ही यहाँ पे आपको सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों यानी वेतन प्लस डीए का 1/10 हिस्सा मिलेगा प्रत्येक 6 महीने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 वर्ष के लिए यहाँ पे 5 महीने की सैलरी बनती है, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी है। और साथ ही जो भी कर्मचारी 2004 के बाद में लगे हैं और 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं, 2025 से पहले, उन कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यानी कि जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और उनको एनपीएस मिल रही है, उनको इस यूपीएस का लाभ मिलेगा। ठीक है, वो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं, यूपीएस में जितनी लंबी सर्विस आपने की है उसको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर कम आपने सर्विस की है तो आपको कम फायदा होगा, और ज़्यादा अगर आपने सर्विस की है तो यूपीएस में उतना ही लाभ आपको मिलेगा। ये यहाँ पे क्लियरली इन पॉइंट्स में आपको दिख जाएगा, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, उसके हिसाब से जितनी ज़्यादा आप सर्विस की है आपने उतना ही लाभ आपको यूपीएस में मिलेगा। और एनपीएस में यही प्रॉब्लम थी, कम सर्विस में कम यहाँ पे आपको पेंशन मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। तो उनके लिए भी यहाँ पे जो रिटायर हुए हैं 2004 और के बाद लगे हैं और 25 से पहले रिटायर हुए हैं, उनको यहाँ पे ये इस पेंशन का लाभ मिलेगा, उनको एरियर दिया जाएगा। साथ ही ये जो पेंशन योजना है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। इसको मंजूरी अभी मिल चुकी है और लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल चुकी है, सारा काम हो चुका है, सारा यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार है, सारे रूल्स यहाँ पे जो हाईलाइटेड रूल्स है वो आपको बता दिए गए हैं। तो ये है यूपीएस। अब यहाँ पे जो बात आती है वो आती है एनपीएस वर्सेस ओपीएस वर्सेस यूपीएस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेहतर कौन है? तो यहाँ पे यूपीएस और ओपीएस में काफ़ी हद तक टक्कर है। कुछ फ़ायदे ओपीएस में है, कुछ है यूपीएस में। आगे आने वाले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के फ़ायदों की, नुकसान की, क्या इनमें कौन सी बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन आपको एनपीएस और यूपीएस में से चूज करना चाहिए, इसका भी यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। कितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है तो कौन सी आपको ये चूज करनी चाहिए पेंशन सर्विस, उसके बारे में सब कुछ क्लियर आपको जानकारी इस वीडियो, आगे आने वाले वीडियो में आपको दे दी जाएगी। तो हमारे साथ डीजी इंडिया के साथ में बने रहिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। क्योंकि लोग जो वीडियो बना रहे हैं आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के आज वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनमें क्या है, वही है जो कि सरकार ने जारी किया है, और अभी तक जो जारी किया है वो यही है, यही निश्चित लाइनें हैं, यही एक पैराग्राफ है, यही एक लेटर है जो कि जारी किया गया, और इतनी ही सूचना है, इसके अलावा किसी के भी पास कोई भी सूचना नहीं है। क्योंकि इतने दिनों में अगर ये एक एकीकृत, एक यूनिफाइड ये नाम तक लीक सरकार से नहीं हुआ तो आगे की जानकारी तो क्या ही लीक होगी। ये जो बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो ये इतना ही है, जो सूत्र बोल के जो भी जानकारियाँ दी जा रही है वो बिल्कुल फर्जी है, उन पर विश्वास ना करें। जो सरकार ने जारी कर दिया है वही फाइनल है और वही होना तय है। और हमारे ट्विटर हैंडल से जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। हमारे ट्विटर हैंडल है यहाँ पे @TheJyotiKMT, ये देखिए ये हमारा ट्विटर हैंडल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीजी इंडिया गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के नाम से हमारा ट्विटर हैंडल है, ये यूज़र आईडी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।